नमस्कार, टीवी नाइन भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खौफ के बीच सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाने वाली है जिसके जरिए लोगों को बूस्टर डोज कैसे मुहैया कराई जाए, इसकी एक नीति बनाई जाएगी। दरअसल चारों ओर एक चर्चा है कि बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन का समाधान ढूंढा जा सकता है, जिसके चलते सरकार बूस्टर डोज लगाने के लिए एक नीति तैयार कर रही है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट मोड पर हैं। इस घातक वेरिएंट से बचाव के लिए सावधानी के साथ साथ प्रभावी वैक्सीनेशन की भी दरकार है, जिसकी ओर इंडियन सार्स कोविड 2 जेनेटिक कंसोर्शियम ने भी इशारा किया है और उनका बुलेटिन इसकी ओर पूरे देश का ध्यान खींचता है। और ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश भी की गई है। सच तो यह है कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन की सेकंड डोज लगे हुए 6 से 9 महीने हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज देनी चाहिए, क्योंकि 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी में गिरावट बहुत तेजी से दर्ज की जाती है। यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं उसके भी एक साल में 2 डोज दिए जाते हैं, जिसकी ओर एक्सपर्ट साफ तौर से इशारा कर चुके हैं। सच तो यह है कि वैज्ञानिकों ने सरकार को आगाह किया है कि 40 साल के ऊपर के लोग या फिर ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमजोर है, ऐसे लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देनी चाहिए, जिसको लेकर सरकार ने NTAG को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जल्द से जल्द एक पॉलिसी तैयार करें। NTAG यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप आने वाले वक्त में बूस्टर डोज को लेकर देश की जनसंख्या और ओमिक्रॉन के खतरे के आकलन को मापकर एक व्यापक नीति बनाएगा। साथ ही NTAG देश के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी नई पॉलिसी लाने जा रहा है। साथ ही साथ एक्सपर्ट का मानना है कि 40 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दी जानी चाहिए ताकि संक्रमण की दर को रोका जा सके। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।